हाई एवरी वन, थैंक्स अलॉट फॉर ट्यूनिंग टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों को एक एंटी ब्लेमिश फेस पैक बताऊँगी। उसके लिए हमको कर्ड चाहिए, ये एक टेबल स्पून कर्ड है। और उसके लिए हमें हल्दी चाहिए, ये भी एक टेबल स्पून ही है। और हमें सरसों का तेल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल हमें 2-3 ड्रॉप्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स करेंगे। मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कर्ड में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से ये आपके एक्नेज और एक्ने स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और आपके स्किन को एक इवन टोन देता है। और टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती हैं और ये आपके जो स्किन है उसे काम करता है। लाइक आपको जब भी पिम्पल्स होते हैं उन्हें ये बढ़ने नहीं देता, रिड्यूस करता है। और जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल में एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी वजह से अगेन आपको स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं होते हैं और जो आपकी ड्राइनेस और डलनेस है स्किन की वो दूर होती है। तो मैं फेस को क्लेंज़ कर रही हूँ, ये गुलाबरी का फेस क्लेंज़र है, उसे मैं स्प्रे करके अपने फेस को अच्छे से क्लेंज कर रही हूँ। उसके बाद ये पैक पूरे फेस और नेक पे लगाना है, अच्छे से स्प्रेड करना है पूरे फेस और नेक पे, और उसके बाद 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद हम ये फेस पैक धो लेंगे। फेस पैक को लगाने से फेस थोड़ा सा येलो हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसे फेस वॉश से भी धो सकते हैं। मीनवाइल बनी को एंटरटेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आफ्टर 10 मिनट्स फेस ऐसा लगता है। आप इसे अगर रोज़ यूज़ करेंगे तो आपके एक्नेज और ब्लेमिशेस ज़रूर दूर हो जाएंगे। आई होप आपको ये फेस पैक पसंद आया हो, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और मैं आपसे फिर से मिलूँगी। बाय।